Greetings dear children, this is chapter 12 of your EVS book and the name of the chapter is Our Country, that is on page number 221. So let's start the chapters. Highlights of these chapters are national symbols and national festivals. Today we shall be discussing about national symbols. Dear children, Our country has a rich cultural heritage. हमारे देश में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है. Means हमारा जो देश है वो परंपराओं, भाषाओं और विशेषताओं से भरपूर है. It is also known by different names such as भारत and हिंदुस्तान. हमारे देश को विभिन्न प्रकार के नामों से भी जाना जाता है, जैसे भारत और हिंदुस्तान. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया. न्यू दिल्ली जो है मींस नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है. जंप स्टार्ट. मैच द फॉलोइंग. नेशनल फ्लैग तिरंगा. नेशनल एनिमल टाइगर. नेशनल बर्ड पीकॉक. नेशनल फ्लावर लोटस. नेशनल फ्रूट मैंगो. नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पेज. नेशनल सिंबल्स. डू यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्री कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग. क्या आप हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो तीन रंग हैं उनके महत्व को जानते हैं? हाउ आर दे अरेंज. वो किस प्रकार अरेंज किए गए हैं? डिस्कस. We will discuss in next topic. National symbols reflects our heritage and culture. राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो हमारी विरासत और संस्कृति को दर्शाते हैं. Let us learn about the national symbols of our country. आइए अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानें. National flag. राष्ट्रीय झंडा. आर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड दी तिरंगा मीन्स ट्राइकलर. हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहा जाता है? तिरंगा कहा जाता है. इट हैज थ्री कलर्स ईच विद अ सिग्निफिकेंस. इसमें तीन रंग हैं, प्रत्येक का अपना महत्व है. ऑन टॉप सैफ्रन सिग्निफाइज करेज एंड सेक्रीफाइस. ऑन टॉप मीन्स जो ऊपर केसरिया रंग है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है. इन मिडल वाइट सिग्निफाइज पीस एंड ट्रूथ. बीच में जो ये सफेद रंग है ये शांति और सच्चाई का प्रतीक है. एट बॉटम ग्रीन सिग्निफाइज प्रोस्पेरिटी एंड लाइफ. ये जो ग्रीन कलर है ये समृद्धि और जीवन का प्रतीक है. इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड इज अ नेवी ब्लू व्हील कॉल्ड अशोक चक्र. इसके जो बीच में व्हाइट बैंड के बीच में एक नेवी ब्लू कलर का व्हील है उसको क्या कहा जाता है? अशोक चक्र कहते हैं. इट हैज 24 स्पोक्स. द अशोक चक्र इज also known as the wheel of laws. अशोक चक्र को क्या कहा जाता है? कानून का पहिया भी कहा जाता है. ये जो बीच में है इसे क्या कहते हैं? स्पोक्स. और ये कितने हैं? ये 24 स्पोक्स हैं. नेक्स्ट इज नेशनल सॉन्ग. आर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंकीम चंद्र चटर्जी. हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो किसके द्वारा लिखा गया था? बंकीम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था. इन दिस सॉन्ग ही प्रेजेस द नेचुरल ब्यूटी एंड द रिचेस ऑफ आर मदरलैंड. इस सॉन्ग के द्वारा उन्होंने हमारी प्राकृतिक सुंदरता और हमारी मातृभूमि की प्रशंसा की है. नेशनल एंथम. आर नेशनल एंथम जन गण मन वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर.
हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। वी प्राउडली सिंग दिस एंथम ऑन आर रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे। हम इसे बड़े गर्व के साथ, इस एंथम को बड़े गर्व के साथ कहाँ पर गाते हैं? रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस पर, और इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस पर गाते हैं। वी ऑल्सो सिंग इट ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स एट स्कूल एंड ड्यूरिंग अदर सिग्निफिकेंट इवेंट्स। और इसे हम महत्वपूर्ण ओकेजन पर भी स्कूल के अंदर गाते हैं, और दूसरे जो हमारे इवेंट्स होते हैं महत्वपूर्ण, उस पर भी हम इसे गाते हैं। नेशनल एम्बलम। द नेशनल एम्बलम इंक्लूड्स द स्कल्पचर ऑफ फोर एशियाटिक लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक ऑन अ सर्कुलर बेस। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो किसको इंक्लूड करता है? एक मूर्ति को इंक्लूड करता है जिसमें क्या है, फोर एशियाटिक लायंस हैं, और जो एक दूसरे के पीछे खड़े हैं एक सर्कुलर बेस पर। द सर्कुलर बेस हैज स्कल्पचर्स ऑफ एन एलिफेंट, अ हॉर्स, अ बुल एंड अ लायन। जो ये सर्कुलर बेस है इस पर किसकी मूर्तियां हैं? एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड लायन की। दीज स्कल्पचर्स आर सेपरेटेड बाय व्हील्स। और ये जो मूर्तियां हैं वो किससे सेपरेट की गई हैं? एक व्हील से सेपरेट की गई हैं, अलग की गई हैं। आर मोटो सत्यमेव जयते इज रिटन बिलो द एम्बलम। जो हमारा मोटो है सत्यमेव जयते, वो इस एम्बलम के नीचे लिखा गया है। नेक्स्ट इज नेशनल बर्ड। द पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज फाउंड इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। पिकॉक जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है इंडिया का। इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा किस लिए दिया गया है? क्योंकि ये देश के सभी कोनों में पाया जाता है। द पिकॉक इज द सिंबल ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी। जो मोर है वो किसका प्रतीक है? ग्रेस एंड ब्यूटी का, मीन्स दया और सुंदरता का प्रतीक है। नेशनल एनिमल। द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। टाइगर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। इट वॉज डिक्लेयर्ड द नेशनल एनिमल आफ्टर द प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन 1973। इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब दिया गया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के बाद इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया था। द टाइगर सिंबलाइजेस पावर एंड स्ट्रेंथ। चीता जो है वो किस क्या दर्शाता है? पावर एंड स्ट्रेंथ मीन्स साहस और शक्ति को दर्शाता है। नेशनल फ्लावर। द लोटस इज नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। लोटस जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। डू द प्लांट ग्रोज इन मार्शी लैंड इट्स लॉन्ग स्टॉक विद द लोटस एट इट टिप रिमेन्स हाई अबोव द ग्राउंड। हालांकि यह एक कीचड़ में उगता है। कमल का फूल कहाँ उगता है? कीचड़ में उगता है, लेकिन इसकी जो ये लॉन्ग जो स्टॉक है ये इसको ग्राउंड से ऊपर की तरफ ले जाती है, जमीन से ऊंचा रखती है। द लोटस सिंबलाइजेज प्योरिटी एंड अचीवमेंट। ये जो कमल का फूल है ये किसका प्रतीक है? पवित्रता और उपलब्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट इज नेशनल फ्रूट। मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। आम जो है हमारे देश का राष्ट्रीय फल है। बिकॉज द प्लांट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया। क्योंकि इसे भारत में पहली बार खोजा गया था। नेशनल ट्री। द बैनियन इज आर नेशनल ट्री। बैनियन जो है हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। इट इज ऑल्सो नोन एज काल्प वृक्षा।
इसको किस नाम से जाना जाता है? कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, विच मीन्स विश फुलफिलिंग ट्री, इसका मतलब होता है इच्छा पूरी करने वाला पेड़। नेशनल करेंसी, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी, प्रत्येक देश की अपनी एक करेंसी होती है, मीन्स मुद्रा होती है। द इंडियन करेंसी इज कॉल्ड रुपया, इंडियन करेंसी को क्या कहा जाता है? रुपया कहा जाता है। द सिंबल ऑफ इंडियन रुपी वॉज डिजाइन बाय उदय कुमार धर्मलिंगम, हमारा जो इंडियन रुपी है इसका जो साइन है मीन्स इसका जो सिंबल है उसको किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार धर्मलिंगम ने। नेक्स्ट इज नेशनल रिवर, द गंगा इज आर नेशनल रिवर, गंगा जो है हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया फ्लोइंग थ्रू माउंटेन्स वैलीज एंड प्लेन्स, यह भारत की सबसे लंबी नदी है जो कहाँ से बहकर निकलती है? पहाड़ों से, घाटियों और मैदानों से होकर बहती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम गंगोत्री इन दी हिमालयाज, यह हिमालय की गंगोत्री से शुरू होती है। इट इज कंसीडर्ड एज ए साक रिवर बाय दी इंडियन, यह भारतीयों द्वारा पवित्र नदी, इसे भारतीयों द्वारा क्या माना जाता है? पवित्र नदी माना जाता है। इट सिंबलाइजेस प्योरिटी, यह शुद्धता की प्रतीक मानी जाती है। ब्रेन टीजर, विच ट्री इज ऑल्सो नोन एज कल्प वृक्ष इन दी कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, किस पेड़ को कल्प वृक्ष माना जाता है तटीय क्षेत्रों में, मीन्स कौन से पेड़ को कल्प वृक्ष ट्री माना जाता है? द आंसर इज बैनियन ट्री। नेक्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स। ए, आर नेशनल फ्लैग इज अ ट्राइकलर फ्लैग, सो वी विल राइट हियर ट्राइकलर। बी, देयर आर 24 स्पोक्स इन दी अशोका चक्र। सी, द टाइगर इज आर नेशनल एनिमल। डी, द वंदे मातरम इज आर नेशनल सॉन्ग। ई, द बैनियन ट्री इज ऑल्सो नोन एज कल्प वृक्ष। सो दिस टॉपिक हैज फिनिश्ड हेयर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बाय बाय एंड टेक केयर।